लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पे? क्या चाहते हो तुम लोग? रिलैक्स, डरिए मत, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। देखिए मुझे जाने दीजिए, प्लीज, प्लीज। जाने देंगे, जरूर जाने देंगे। हाँ, सिर्फ एक काम करना होगा आपको हमारा। देखो आगे मत पढ़ना, क्या चाहते हो तुम? I am not asking you. I'm telling you. मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि आपसे बोल रहा हूं। आपको मेरा ये काम करना पड़ेगा वरना। बीके फोन। हेलो, क्या होश आ गया? You guys wait outside for me. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Brush me. Brush me. Kaise ho, beta? किया ना ये सब? हम सब तुम्हारे इसी बयान का इंतजार कर रहे थे। अच्छा याद करो उस दिन क्या हुआ था उस दिन याद करो। उस दिन, हाँ, उस दिन मैं घर आने वाला था, लेकिन उससे पहले बोलो। प्लीज कम इन जी, आपसे कोई मिलने आया है। और हाँ, वीके आता ही होगा, जरा जल्दी तैयार हो जाइए। अरे मैं तैयार हूँ भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दिस पार्सल वाज़ टू बी डिलीवर्ड टू यू वेरी अर्जेंटली सर। थैंक यू। यू वेलकम। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑफिसर। राज, मैं नरेश बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, तुम जल्दी आ जाओ। रात को तो आ ही रहा हूँ ना भाई साहब, जानता हूँ वीके डिनर पर आ रहे हैं। उस हराम जादे का नाम मत लो तुम फौरन चले आओ। और आज सुनो, अपने साथ पुलिस लेके आना। पुलिस को लेकर?
आखिर बात क्या है भाई साहब? राज, मेरे साथ बहस मत करो, जस्ट कम इमीडिएटली। हे डैड, डैडी, मेरी शादी का कार्ड मैंने सिलेक्ट किया है, इसने ब्यूटीफुल। डैड, आपने मेरी शादी का कार्ड फाड़ दिया। ये तुम्हारी शादी का कार्ड नहीं, तुम्हारी बर्बादी का कार्ड है। बेटी, तुम नहीं जानती, वीके एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। What? मुझे अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि भारत की पुलिस वीके की तलाश में है। माफिया लिंक्स, पॉलिटिकल किलिंग्स, ऐसा कौन सा जुर्म है जो उसने नहीं किया? यह तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि शादी के पहले उसकी असलियत पता चल गई, वरना मिस्टर मल्होत्रा, मैं खुद अपने बारे में आपको बता देता, मगर इतनी जल्दी नहीं। मैं जानता था कि एक दिन कानून मुझ तक पहुंच सकता है, इसलिए मैंने रश्मि को चुना ताकि इससे शादी करके आपको अपनी ढाल बना सकूं। आपकी यहां एक पोजीशन है और मैं उसे अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। तुम मेरे प्यार को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे? How could you, VK? Oh, just keep quiet, baby. Just keep quiet. मल्होत्रा साहब, मैंने इंडिया में मेरे खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए हैं, बस एक सबूत है जो आपके पास आ गया है, वो फ्लॉपी। लाइए, मुझे दे दीजिए प्लीज। वो फ्लॉपी तुम्हें पुलिस को दूंगा और तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। आप मुझे अरेस्ट करवा देंगे? फांसी लगवा देंगे मुझे? अपने होने वाले दामाद को? अगर मेरी बेटी तुम जैसे कमीने की बीवी होती तो भी मैं तुम्हें फांसी लगवा देता। और तुम क्या समझते हो, ये फ्लॉपी लेकर तुम बच जाओगे? मैंने राज को फोन कर दिया है तो पुलिस लेकर आता ही होगा। नहीं मल्होत्रा साहब, मैं जेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे जेल में रहने की आदत नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है वीके, ये रिवॉल्वर हाथ में लेके क्या कर रहे हो तुम? भक्ति ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल, ये कानून का दुश्मन है। तो आपने मुझे दुश्मन मान ही लिया मल्होत्रा साहब। जो वीके से दुश्मनी मोल लेता है, जिंदगी उसकी दुश्मन हो जाती है। Just put the gun down, VK. Now it's time to go. No. VK, you bastard! I'll kill you! I love you, baby. देखिए सब क्या हो गया, उस कातिल ने सबको मार डाला, अंकल को, आंटी को, रश्मि को भी। This girl is still alive.
to the hospital immediately. You've done it, you bastard. You've done it. अरे, अरे मैं क्यों मारूंगा? अपनी होने वाली बीवी को मारूंगा मैं? और ये देखिए, मुझे भी तो गोली लगी है। और वो कातिल वहां से भाग गया। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है। वरना भाई साहब मुझे पुलिस के साथ आने को क्यों कहते? तेरे बारे में कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मेरे आने से पहले तूने, तूने हाँ, ऑफिसर, यस सर, अरेस्ट दिस मैन। I strongly suspect him. अरे यही कातिल है। अरे तुम कातिल हो, get out. राजन किलाब क्या कर रहे हैं? देख, come on, move. अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे मैं कुछ करूँ? अगर मैंने कुछ नहीं किया क्या? बस बेटा बस, बस. देखो, अब उसे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता. What? He's still free? उसे अभी तक सजा नहीं हुई. क्या करूं बेटा, मैंने तो उसे अरेस्ट किया था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत और गवाह सिर्फ तुम थी. Oh, और तुम्हारे कोमा में जाने की वजह से यहाँ के कोर्ट ने उसे जमानत दे दी. अब तो मैं होश में आ गई हूँ, मुझे अभी कोर्ट ले चलिए, मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगी. सिर्फ दो दिन इंतजार करो बेटे, मंडे में तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा. और दो दिन? पीके बहुत खतरनाक है, अगर उसे पता चल गया कि मैं होश में आ गई हूँ वो तो मुझे कुछ नहीं कर सकता. वो तुम्हारा, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत सख्त है. और सुनो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो वीके उसका जिम्मेदार होगा. Oh, और वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता. गुड मॉर्निंग अंकल. हाय डार्लिंग. यू आर ब्लडी किलर, गेट आउट ऑफ हियर. क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? ऑफिसर्स, मैं अपनी होने वाली बीवी से मिलने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेके आया हूँ. बहुत हो गया तेरा नाटक हरामजादे, मंडे कोर्ट में सब खत्म हो जाएगा. आप लोग मेरी रश्मि को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन ये जानती है कि मैं बेगुनाह हूं. और आप देखना, कोर्ट में मेरा ही साथ देगी वो, है ना डार्लिंग? अंकल प्लीज, इनफ. टेक योर क्लाइंट अवे. आप जा सकते हैं. Relax. Relax. पृथ्वी, आप जा रहे? हाँ, शुक्रिया. शुक्रिया किस बात का? एहसान तो आपने मुझ पे किया है. वैसे आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं. थैंक्स. नेहा को ढूंढा है, सोच रहा हूँ इंडियन एम्बेसी जाऊँ, शायद कुछ मदद मिले. सुनिए, ये मेरा कार्ड है, मैं इस क्लब में काम करती हूँ. आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ फील फ्री. थैंक यू वेरी मच. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि आज आप उनसे नहीं मिल सकते. आज मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम. प्रॉब्लम? अमेरिका के अंदर सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मौत की प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम, शादी की प्रॉब्लम, तलाक की प्रॉब्लम, ड्रग्स की प्रॉब्लम एंड नो प्रॉब्लम. इसलिए हर आदमी यहाँ अमेरिका के अंदर रहना चाहता है. मुझे अमेरिका में रहने का कोई शौक नहीं, एक दिन भी रहना नहीं चाहता मैं. मुझे अपनी बीवी वापस चाहिए जो शहर ने छीनी है मुझसे. लिसन मिस्टर, आई टोल्ड यू, वो आज आपसे नहीं मिल सकते. क्यों नहीं मिल सकते? उन्हें मिलना होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप लोगों को हमारी मदद के लिए रखा. अगर आप लोग अपने देशवासियों की मदद नहीं कर सकते तो बंद कर दीजिए ऑफिस को, लगा दीजिए ताला. व्हाट्स रॉन्ग ऑफिसर? द जेंटलमैन हैज लॉस्ट हिज वाइफ इन अमेरिका. सर, मेरा नाम पृथ्वी है, मेरी बीवी इस शहर में किडनैप हुई है, मुझे आपकी मदद चाहिए सर, प्लीज. आप इनको अंदर भेज दीजिए. आप अंदर जा सकते हैं. नेक्स्ट. गुड आफ्टरनून सर. आपका पति खो गया? तो ये बात है. जी हाँ सर, अगर आप मेरी बीवी का डुप्लीकेट पासपोर्ट इंडिया से मंगा देंगे, उसमें उसकी फोटो होगी, तो शायद उस फोटो के जरिए पुलिस मेरी कुछ मदद कर सके. प्लीज सर. देखो, अभी तो वहाँ पासपोर्ट ऑफिस बंद हो गया होगा, कल परसों सैटरडे संडे है, अब मंडे ही कुछ हो सकता है. सर, मैं मंडे तक कैसे रुक सकता हूँ सर, प्लीज. सॉरी जेंटलमैन, अगर आप सुबह आते तो शायद मैं कुछ कर पाता. सर, मैं सुबह से यहीं बैठा हूँ, पिछले 5 घंटे से वो लोग मुझे आपसे मिलने नहीं दे रहे सर. गुड आफ्टरनून चौहान. आओ राज,
सुना है रश्मि को होश आ गया है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। उसी सिलसिले में आपके पास आया था। मंडे उसे कोर्ट ले जाना है और मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए इसकी फाइल, देख लीजिए। आई होप थिंग्स आर ऑल राइट। एक्सक्यूज मी सर। ओह हाँ, सॉरी जेंटलमैन, मैं मंडे से पहले कुछ नहीं कर सकता। सॉरी, हाउ कैन यू से दैट? देखिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी को किडनैप हुआ, दूसरा दिन है, न जाने वो कहाँ है, किस हाल में है, और फिर आप इस पोस्ट में रहकर मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या बात है चौहान? कल इनकी बीवी का किडनैप हो गया और इनके पास उसका कोई फोटो भी नहीं है। भाई फोटो के बिना तो बहुत मुश्किल होगा, यहाँ तो आए दिन किडनैप होते हैं। इस महीने 20 हो चुके हैं, तुम्हारे किसवा है? आपके लिए नंबर होगा सर, मेरा ये पहला केस है। एक बात जान गया हूँ मैं, यहाँ ना पुलिस मदद करेगी ना अपने देशवासी, जो कुछ भी करना है मुझे खुद करना होगा। थैंक यू मिस्टर एम्बेसडर। एक्सक्यूज मी। देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि अजनबी शहर है और दूसरों का देश। पत्थरों का शहर और नामर्दों का देश है ये, जहाँ औरतों पर जुल्म होता है।